बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है महनूर का किचन और मैं हूँ महनूर की मॉम। क्या हाल है हमारी यूट्यूब फैमिली का? हम तो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आपका क्या हाल है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं रेशमी मसालेदार चिकन। तो देखते हैं हमें क्या कुछ चाहिए। वो रेशमी मसालेदार चिकन बनाने के लिए हम पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये मैंने 600 ग्राम के करीब चिकन लिया है और ये 100 ग्राम दही है। तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये 1.5 टीस्पून इसमें धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड करूंगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन का भी इसमें ऐड कर लिया। तो अब हम इसको करते हैं मैरिनेट। तो चिकन को बाउल में डालते हैं। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। आपके पास ना टाइम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी, 1.5 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। मैरिनेशन का जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना ही ये अच्छा बनेगा। चिकन मैरिनेट कर दिया तो अब मैं इसको क्लिंग स्क्रीन डाल के इसे कवर कर दूंगी। रेशमी मसालेदार चिकन बनाने के लिए मैंने ये प्याज लिए है, 2 मीडियम साइज के प्याज थे, और ये टमाटर है, और ये थोड़े से काजू हैं, होंगे 14-15 होंगे काजू, और ये हैं सब्ज़ मिर्चें। तो मैंने शुरू करते हैं। तो फ्राई में मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऑयल डाला है। तो इसमें हम पैन मैंने ऑन कर दिया है, हल्की सी आंच पे ये मैं काजू थोड़े से हल्के से फ्राई करूँगी। तो इसके बाद मिलते हैं। तो काजू हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। इस पैन में हम थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। कर लिया तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज को फ्राई करते हैं। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये ग्रीन मिर्चें भी हम काट के साथ डाल देंगे। तो मसाला ग्राइंड करना है तो साथ ये भी हो जाए। इसे जग में डाल के इसे थोड़ा ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करके मिलते हैं। ये मैंने ग्राइंड कर लिया, इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो गई है। तो अब हम इसको करते हैं ऐड कढ़ाई में, और इसका पैन हम ऑन करते हैं। इसको जग से अच्छे से निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से निकल आए। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इसका जब मॉइस्चर ज़रा थोड़ा ड्राई होता है तो मसाला बनता है, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। सारी की बनाई हो चुकी है। अब हम इसमें करते हैं चिकन ऐड, जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छे से ये बॉल साफ करके थोड़ा
मसाला इसी के अंदर डाल दें। चिकन हमारा इस कंडीशन में आ चुका है, तो इसमें मैंने जो काजू रखे थे फ्राई करके, तो वो पेस्ट बना के मैंने इसमें डाल दिए। तो थोड़ा सा और कुक होने देते हैं, फिर इसके बाद हम करते हैं क्रीम ऐड इसमें। तो अब हम करते हैं ये 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बराबर क्रीम ऐड, डबल क्रीम, डबल फ्रेश डबल क्रीम। तो आप घर की भी डाल सकते हैं, ना हो तो अपनी मर्जी नहीं डालने दें। हमारा सालन रेडी हो चुका है। अगर आप और ड्राई करना चाहते हैं तो ड्राई भी कर सकते हैं, तो मुझे इतनी इतनी ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसमें धनिया ऐड, सबल धनिया ऐड करती हूँ। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो ये हमारी रेशमी मसालेदार कढ़ाई रेडी है सर्विंग के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना और अपने इस छोटे से चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।